नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के समक्ष समकालीन हिंदी कविता पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज की बातचीत से आप समकालीन कविता को उसके समकालीनता के संदर्भ में समझ सकते हैं। दरअसल जब समकालीन हिंदी कविता की बात की जाती है तो एक बड़ा जो विवाद हमारे सामने आता है या विद्वानों के सामने आता है, और यह एक रूप से अकादमिक दायित्व तो बन जाता है। अकादमिक दुनिया यह तय करती है किसी भी साहित्य में कि उस साहित्य का समय काल क्या होना चाहिए, यानी कि साहित्य में कैनन निर्माण की प्रक्रिया, प्रतिमानीकरण की जो प्रक्रिया है, वह साहित्य अध्यापन की दृष्टि से भी और साहित्य को समझने की भी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम समकालीन हिंदी कविता को नई कविता के सातत्य में देखते हैं, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के सातत्य में देखते हैं, आज की कविता के सातत्य में देखते हैं, तो समकालीन हिंदी कविता का एक प्रतिमानीकरण, कैनन निर्माण एक आवश्यक अंग बन जाता है हमारी अपनी समझदारी के लिए भी, उस साहित्य को समझने के लिए भी, और उस साहित्य के प्रति जो विचार विश्लेषण है उसके लिए भी। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है समकालीन हिंदी कविता पदबंध पर बातचीत करते हुए कि आखिर इस समकालीन हिंदी कविता को का टाइम पीरियड क्या होगा, समय सीमा क्या निर्धारित किया जाएगा। तो एक बड़ी बहस समकालीन हिंदी कविता के विचारकों चिंतकों के पास एक बड़े सवाल की तरह यह आता है। जैसे ही हम समकालीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके तीन अर्थ सीधे सीधे हमारे सामने आते हैं। समकालीन का आशय एक तो समय बोधक होता है, जो आज के समय को अभिव्यक्त करता है, यानी जो समकालीन संबंध है वह समय की प्रतीति देने वाला शब्द है। समकालीन शब्द एक प्रवृत्ति को भी संबोधित करने वाला प्रश्न है, और फिर समकालीन का एक व्यापक अर्थ यह होता है कि जो आज के समय में भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है, वह जरूरी है आज के समय के लिए, वो चाहे आज से 500 साल पीछे का ही क्यों ना हो, वह भी समकालीन है। अक्सर जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो यह बात करते हैं कबीर की समकालीनता, जायसी की समकालीनता, विद्यापति की समकालीनता, चंदबरदाई की समकालीनता, घनानंद की समकालीनता, इत्यादि इत्यादि। तो समकालीन शब्द जो है मूलतः तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो समयवाची, जो आज का अभी तुरंत घटित हो रहा है वह भी समकालीन होता है। प्रवृत्तिगत रूप से समकालीन का एक आशय है, उसका एक टाइम पीरियड है, और कई बार यह होता है कि अमुक व्यक्ति के समकालीन है, यानी कि जो आपके समय सापेक्ष की दुनिया में मौजूद हैं, आपके समय सापेक्ष हैं, वह भी समकालीन है। तो कुल मिला जुला करके यह कहा जाए कि समकालीन शब्द जो है वह प्रवृत्तिगत और कालगत है। अब जब बात आती है समकालीन शब्द की तो उसके साथ अनिवार्य रूप से आधुनिकता जुड़ता है, आधुनिक समय जुड़ता है, प्रवृत्तिगत मूल्यों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जब हम समकालीन हिंदी कविता कहते हैं या समकालीन हिंदी साहित्य कहते हैं तो वह कौन सा समय होगा। क्योंकि आप देखिए कि अमूमन समकालीन हिंदी कविता में जब बातचीत की जाती है तो केदारनाथ सिंह की भी बात की जाती है, कुंवर नारायण की भी बात की जाती है, और आज अभी अभी लिख रहे सारे कवियों की भी बात या रचनाकारों की भी बात की जाती है। तो साहित्य, समकालीन साहित्य का कैनन बहुत बृहद हो जाता है। लेकिन जब समकालीन हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे तो इसे नई कविता या स्वातंत्रोत्तर कविता या प्रयोगवादी कविता या अकविता या नक्सलवाड़ी आंदोलन कविता के सातत्य के बाद की चीज को समझेंगे। आप देखिए कि 1975 में
देश में आपातकाल लगता है। उस आपातकाल के विरोध में नक्सलवाड़ी की कविता और उसी समय अकविता जैसी कविताएं इसके ठीक पहले लिखी जा रही थी। तो 1980 आते आते एक स्वर जो होता है, क्योंकि आपातकाल के बाद हर एक तरह की क्रांति के लिए इस समाज में जगहें कम हो रही थी, उन्हें दमन किया जा रहा था, उन्हें दबाया जा रहा था। तो जो कविता में प्रतिकार के भाव थे, कविता में प्रतिरोध के भाव थे, आप चाहे कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह की कविता ले लीजिए, सौमित्र मोहन की कविता ले लीजिए, राजकमल चौधरी की कविता ले लीजिए, धूमिल की कविता ले लीजिए, और इसी समय लिखने वालों में, हालांकि अब यहीं पे देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा होती है, एक तरफ नागार्जुन भी लिख रहे हैं, इसी समय में लिख रहे हैं, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को, बहुत सीधी कविता और आपातकाल के विरोध की कविता। ये वही नागार्जुन है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति को संपूर्ण भ्रांति शब्द का नाम दिया। अकविता के राजनीतिकरण से जब 1980 का दशक आता है तो राजेश जोशी, ज्ञानेंद्र पति, थोड़े पहले के कवि अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, वीरेन नंगवाल, ये सारे कवि आते हैं और इन्होंने कविता में एक नए तरह की चीज स्थापित करते हैं, और वो यह है कि राजनैतिक प्रतीकवाद से कविता की मुक्ति का रास्ता तलाशते हैं। इनकी कविताओं में भी राजनीति है, लेकिन एक जो राजनैतिक प्रतीकवाद आप धूमिल की कविताओं में देख लीजिए, या राजकमल चौधरी की कविताओं में देख लीजिए, सौमित्र मोहन की कविताओं में देख लीजिए, जगदीश चतुर्वेदी की कविताओं में देख लीजिए, मोना गुलाटी की कविताओं में देख लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वर जो है शांत होता है। आलोक धनवा जिस तरह की कविताएं लिख रहे थे, उन कविताओं में जो आक्रोश था, कुमार विकल की कविताओं में जो आक्रोश था, पंजाबी में पाश लिख रहे थे, हिंदी और तेलुगु में वरवर राव लिख रहे थे, तो इनकी कविताओं का जो एक राजनैतिक प्रतिरोध था वो थोड़ा सा शांत होता है, थोड़ा दबता है। तो ऐसे में जो कविता एक रूप अख्तियार करती है, और ठीक उसी समय में भारत भवन जो मध्य प्रदेश में है उसके निर्देशक होते हैं अशोक वाजपेयी, और वो एक पत्रिका निकालते हैं जिस पत्रिका का नाम होता है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह पत्रिका में एक पूरा अंक आता है कविता की वापसी पर, और एक पूरा ग्रुप बनता है अशोक वाजपेयी, प्रयाग शुक्ल, ध्रुव शुक्ल, मदन सोनी इत्यादि कवि, गिरधर राठी, तेजी ग्रोवर, और ये तमाम ऐसे कवि आते हैं, रुस्तम, जो कि एक तरीके से कलावादी कविताओं का भी एक स्वर आता है 1980 के दशक में। तो एक बड़ा कविता है के शिल्प में, संरचना में, उसके कहन में, उसके वैविध्य में एक बड़ा अंतर 1980 के दशक में आता है। और यहाँ से अमूमन जो समकालीन हिंदी साहित्य के आलोचक या विद्वान हैं वो एक बड़ा डिपार्चर लाइन मानते हैं, और यहाँ से समकालीन हिंदी कविता की शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि 1959 में प्रगति नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है और आरा से, और वह पहली पत्रिका है हिंदी की जिसने समकालीन हिंदी कविता पदबंध का इस्तेमाल किया है। उसमें महेश्वर छपते हैं, उसमें गोरख पांडे छपते हैं, उसमें कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह छपते हैं, इत्यादि कवि पहली बार प्रकाशित होते हैं, और 1959 में समकालीन हिंदी कविता पदबंध का इस्तेमाल हिंदी साहित्य में पहली बार होता है, और तब से ये बहस चलती है। समकालीन हिंदी कविता की भूमिका एक पुस्तक लिखते हैं विश्वंभरनाथ उपाध्याय अमूमन 64-65 के आसपास, और उस किताब में पहली बार समकालीन हिंदी कविता को समझने की, उसके प्रवृत्तियों को जानने समझने की कोशिश की जाती है कि समकालीन हिंदी कविता गत्यात्मक है, वह नई कविता के सवालों से आगे बढ़ चुकी है, वह नई कविता या जो अकविता या इस तरह के और जो समकालीन हिंदी कविता के पूर्ववर्ती काव्य आंदोलन है उससे एक नए शिल्प में, एक नई नए कहन में अपनी बात लेकर के आ रही है। अस्तित्ववाद जैसे विचार सरणी जो प्रयोगवाद में थे, अब उसका स्वर कम हो रहा है, शांत हो रहा है, बल्कि उस अस्तित्ववाद की जगह पर
मैं का प्रभुत्व ज्यादा होता है, जो समकालीन हिंदी कविता की एक बड़ी विशेषता है। तो इस तरह की चीजें आती हैं और ऐसे समकालीन हिंदी कविता अपना एक रूप अख्तियार करती है। तो एक बात तो ये कि अगर समकालीन हिंदी कविता की शुरुआत की बात करें तो वह शुरुआत 1980 के आसपास से हम लोग मान सकते हैं कि समकालीन हिंदी कविता 1980 से शुरू होती है। प्रवृत्ति के अनुरूप अगर देखें तो इसके बाद अब यह भी कि क्या 1980 से अब तक की कविता को समकालीन हिंदी कविता कहें, क्योंकि इस समकालीन शब्द में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह एक साथ समय को भी संबोधित होती है और एक साथ प्रवृत्ति को भी। तो मेरा यह मानना है कि समकालीन हिंदी कविता 1980 से लेकर के जो शुरू होती है, अगर उसका एक रूप बने 1980 में, तो हालांकि यह भी बहुत प्रस्तावित जैसी चीज नहीं है, अभी तक यह स्वीकार्य चीज नहीं है, तो अगर समकालीन हिंदी कविता को 1980 से माने तो मेरा मानना है कि 2000 के बाद समकालीन हिंदी कविता अब एक नए शिल्प में ढलती है जिसे 21वीं सदी की कविता कही जानी चाहिए। तो समकालीन हिंदी कविता 1980 से लेकर के 1999 तक की कविता को हम मान सकते हैं। हालांकि कविता में अचानक कोई तिथि आप निर्धारित नहीं कर सकते कि इस तिथि से यह कविता बदल गई। आप देखिए कि अमूमन जो नई कविता की बहसें थीं, वो चाहे अनास्थावादी हो, अनीश्वरवादी हो, अस्तित्ववादी सवाल हो, वह उसका कमोबेश एक सातत्य आपको समकालीन हिंदी कविता में भी दिखेगा। वही 21वीं सदी की कविता में भी समकालीन हिंदी कविता का एक परंपरा बद्ध जो आगे का प्रसार है वह भी दिखेगा। तो इस रूप में समकालीन हिंदी कविता को समझने के लिए अगर ठीक ठीक एक समय काल निर्धारित करें, क्योंकि देखिए स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के बाद सुविधाजनक रूप से आलोचकों ने इसे दशकवार ढंग से बांटा, 80 की कविता, 90 की कविता, 70 की दशक की कविता। तो एक तो एक बड़ी बहस यह भी है कि 80 की कविता या 80 के 8वें दशक की कविता, 7वें दशक की कविता या 70 की कविता। तो इसमें भी एक बड़ा विवाद है कि इस विभाजन को भी आदमी कैसे स्वीकार करे। आखिर 1959 से शुरू करने वाले केदार कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह 2016-2014 में भी लिख रहे हैं, और बाकी के कवि भी लिख रहे हैं। राजेश जोशी जो 1975 में आते हैं वो 2019 में भी कविताएं लिख रहे हैं। मदन कश्यप जो 80 में आते हैं वो अब भी कविताएं लिख रहे हैं। 90 के दशक में एक पूरा बहस जो लोक की पुनर्वापसी और केदारनाथ सिंह की प्रवृत्तिगत धारणा की तरफ जाता है, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो भी लिख रहे हैं। समकालीन हिंदी कविता पर बात करते हुए जो सबसे बड़ी बात की जाती है कि समकालीन हिंदी कविता दो बड़े कवियों के प्रभाव से विकसित कविता है, एक तरफ रघुवीर सहाय हैं और एक तरफ केदारनाथ सिंह हैं। एक बड़ा विवाद भी पैदा करने की कोशिश की गई और ये विवाद शहर बनाम गाँव का विवाद था, एक नागरबोध की कविता और एक लोक संवेदना की कविता। और इन बहसों के बीच जो कविता रूपाकार ग्रहण करती है उस कविता को समकालीन हिंदी कविता के तहत हम समझते हैं। इसके प्रमुख कवियों में राजेश जोशी, ज्ञानेन्द्र पति, मंगलेश डबराल, वीरेन नंगवाल, अनामिका, कात्यायनी, सुभा, मनमोहन, बाद के कवियों में जितेन श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, श्री प्रकाश शुक्ल इत्या अष्टभुजा शुक्ल, पंकज चतुर्वेदी, और भी आगे के कवियों में ऐसे एक बद्री नारायण, बोधिसत्व, नीलेश रघुवंशी और ऐसे कविता बढ़ती है। आप देखें कि 90 के दशक आते आते हिंदी कविता पर एक अस्मिताई कविता का एक बड़ा असर हो जाता है, जिसमें दलित विमर्श की कविता, स्त्री विमर्श की कविता, आदिवासी विमर्श की कविता। तो इन सारे रूपों को एकाकार करके जो कविता निर्मित होती है वह समकालीन हिंदी कविता होती है। समकालीन हिंदी कविता किसी एक प्रवृत्ति को, किसी एक समस्या को या किसी एक पक्ष को अपने भीतर नहीं समेटती। समकालीन हिंदी कविता एक ऐसे गुलदस्ता के रूप में आती है कि उसमें हर एक कविता के लिए एक जगह है, और उन जगहों
का जो समवेत स्वर बनता है उसे समकालीन हिंदी कविता की तरह हम समझते हैं, तो समय के हिसाब से भी और प्रवृत्ति के हिसाब से भी समकालीन हिंदी कविता का परिसर बहुत व्यापक है। इसमें अलग अलग मन मिजाज के, अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग अस्मिताई ढंग से लिखने वाले कवि मौजूद हैं। तो समकालीन हिंदी कविता अपने समय के गत्यात्मक बदलावों को अपने भीतर अलग अलग रंगों में दर्ज करने वाली कविता का नाम है। इसकी एक प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति कहीं कहीं आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता से होते हुए आज जब उत्तर सत्य की बात की जा रही है तो वहाँ तक जुड़ती है। इसकी प्रवृत्ति कोई एक ढांचे में बंधी नहीं हुई है, अतः जो विविधता के बड़े आयाम के साथ हमारे सामने मौजूद है, एक समय के बड़े अतिक्रमित क्षेत्र को अपने भीतर दर्ज करती है, वह कविता धारा जो कि 80 से लेकर कमोबेश आज तक मौजूद है, आज के कवियों तक मौजूद है, वह कविता समकालीन हिंदी कविता है। आगे की बातचीत में हम इसके और सारे स्पष्ट प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे, इनके कवियों पर बात करेंगे कि इन कवियों की क्या क्या विशिष्टता है समकालीन हिंदी कविता के जो कवि आ रहे हैं, और आगे हम इसको एक श्रृंखलाबद्ध रूप में आपके सामने लेकर के जल्द ही प्रस्तुत होंगे। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से समकालीन हिंदी कविता पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिसका वीडियो शीघ्र ही आपके साथ हम लोग साझा करते रहेंगे। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।